साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की मुकद्दस गोद दे जुड़ बैठे मुअज़्ज़िज़ हाजरी और सब तो पहला गुरुदेव पातशाह की बख्शिश मुकद्दस फतेह बुलंद करिए। सतकार साहित आखना जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की हजूरी दे विच साडे बहुत ही सतकारयोग सरदार हरजिंदर सिंह जी तामी, जिन्हां दे मोढ़ियां दे उपर सिख कौम की सरमौर धार्मिक संस्था जिदे विच्चों साडियां राजसी संस्थावां ने भी जन्म लिया है, उस दी जिम्मेवारी इन्हां दे मोढ़ियां दे उपर पई है। ते गुरु पातशाह दी हजूरी दे विच असी सारे अरदास बेनती जोदड़ी करन दे वास्ते संगती रूप दे विच एकत्र होए हैं कि जिथे गुरु पातशाह बख्शिश करन ये अपनी इस जिम्मेवारी नूं बखूबी निभा सकन, उत्थे गुरदेव पातशाह भी हर मौके दे उपर इन्हां दे सिर उपर मेहर भरिया हथ रखन। दरअसल जिन्ने भी इत्थे समागम, जिन्नी वारी भी इत्थे सानूं इकट्ठे होण दा मौका मिलिया, असीं इन्हां दे नाल इस तरह विचरदे रहे हां कि जिथे सानूं लगदा सी कि श्रोमणी कमेटी दे विच कुछ ना कुछ गलत हो रहा, तो असीं इन्हां दी सामने बैठ के नुक्ताचीनी कर दिंदे सी। ते इस गल दा भी सानूं माण रहा है कि इन्हां हमेशा उस नुक्ताचीनी नूं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिजम उसारू आलोचना दे रूप दे विच लिया है, जिहड़ा मैं सोचदा एक बहुत वड्डा गुण हुंदा है। नहीं तो कई बार जदों किसी भी अहुदे उपर विराजमान व्यक्ति की संबंधित संस्था की आलोचना की जाती है तो इंसान कितने गुस्से हो जाता है, कितने नाराजगी पैदा कर लेता है, पर सानू इस गल ते इन्हां दा माण रहा है कि असी जदों भी कितने ना कितने श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के आईया कमियां की गल की है, इन्होंने उस दे सुधार के बारे उपराला करन दा जतन जरूर किया। हुण जिहड़ी समस्या है, मैं सिर्फ दो मिनट लैने ने क्योंकि वह समस्या जिहड़ी है असी थोड़े शब्दों के खालसा पंथ नूं दरपेश जिहड़ियां संस्थावां ने ते समस्यावां ने उन्हां दोहां दा जिहड़ी उन्हां दी मानसिकता है जां जिहड़ा उन्हां दे बौद्धिक हमले करन दा पुराने समयां दे विच जो तरीका है, जो वरतारा है, उस नूं जरूर समझणा है। पहली गल, सब तो वड्डी गल है कि एक घाट, उस घाट नूं तुहानूं एनालाइज करना पऊगा। बेशक केंद्र दी सरकार दे वल्लों तीन खेती कानून वापस लै लए गए। वापस लैण दे समय केंद्र सरकार ने जिथे दिन जिस नूं चुनिया वह गुरु नानक साहब का प्रगट दिहाड़ा सी। इहदा मतलब कि केंद्र सरकार भी यह समझती है कि बेशक इस संघर्ष दे विच बहुत सूबियां दे किसान सन, पर इस संघर्ष की जिहड़ी ड्राइविंग फोर्स है, जिहड़ी चालक शक्ति है, वह गुरमत विचारधारा सी, संगत दे रूप च, लंगर दे रूप च, पंगत दे रूप च, सेवा दे रूप दे विच। पर किसी सिख संस्था नूं नुमाइंदगी नहीं मिल सकी। इहदा मतलब कि जिहड़ी विचारधारा की शनाखत अज तुहाडा दुश्मन कर रहा, अज साडे कोल वह कैलीबर नहीं रहा कि वह सानूं टेबल टाक ते बुला सके। अबदाली आउंदा सी ना, सिखां नूं सुनेहे भेजदा सी आके मेरे नाल वार्तालाप करो। इहदा मतलब कितने ना कितने 18वीं सदी तो साडा जिहड़ा समाजिक, राजनीतिक, धार्मिक ते अध्यात्मिक तौर ते कद जिहड़ा उह नीवा जा रहा। पहला तो इस पासे बहुत ज्यादा गंभीर चिंतन करने की लोड़ है। दूजी गल है कि तुहाडे सामने जिहड़ा स्टेट का वरतारा है उसनूं असीं अल्ट्रा नैशनलिज्म कहिंदे आ, फासिज्म, जिहदे विच एक व्यक्ति को ताकत है, वह अपने शब्दों के नाल कानून बना भी सकता है, अपने शब्दों के नाल वापस लै भी सकता। सानू वेखण नूं इह वरतारा बड़ा लगता है कि चंगा हो गया, पर इहदे विचों जिहड़ा फासिज्म की प्रवृत्ति पैदा हो रही है कि बिना पार्लीमेंट दे विच किसी ना सलाह कीतिया एक व्यक्ति दे कोल इन्नी राजनीतिक सत्ता की ताकत है कि वह अपनी मर्जी नाल जिहड़े मर्जी फैसले लै सकता। और ये जिहड़ियां दो धिरां ने हुण जिहड़ियां पंजाब दे विच पोलिटिकल तौर पर एक्टिव होणगियां, तो हुण असीं पावन गुरबाणी दे विच जिहड़ा सानूं फरमान दिता गुरु पातशाह ने कि ना हम हिंदू ना मुसलमान, जिथे सानूं राइट विंग आइडियोलॉजी तो, जिथे तुहानूं सज्जे पक्षी विचारधारा तो खतरा है, सानूं उन्नी दूरी लैफ्टिस्ट आइडियोलॉजी तो भी बना के रखनी पैणी है।
क्योंकि आने वाले समय जो ये धिरां असर अंदाज हो एक धिर वो है जिहड़ी धिर जे तुसीं मौज़े तों कितें पढ़िया हो तां चिड़ियां तक जिहड़ियां उह मरवा दित्तियां सीगियां जिहड़ा कुदरत दा विनाश करन लग्गिया बिल्कुल नहीं सोचदे एक उह धिर आ ते एक धिर उह है जिहड़ी अपनी स्थापति दे वास्ते अपने ही इखलाक का विनाश कर लग्गिया नहीं सोचते दो धिरां बड़ियां वड्डियां दुश्मन और उहदे सामने चुनौती बड़ी है। मैं एक उदाहरण तुहानूं दे दिंदा तुहानूं उस मानसिकता नूं समझण दे वास्ते उह उदाहरण थोड़ा काम कर जाएगी। 17 साल की उम्र दे विच 710-11 ईस्वी दे विच मुहम्मद बिन कासिम जिहड़ा इस्लाम दे खलीफे हिजाज़ दा भतीजा सी उसने आके हिंदुस्तान ते कब्जा किया। उसका मुकाबला राजे दाहर ने किया। दाहर मुहम्मद बिन कासिम दे हत्थों मारिया गया। उहदे महल दे उपर कब्जा होया तां दाहर दीआं दो बेटियां बड़ियां सुंदर सी। मुहम्मद बिन कासिम ने सोचा इस्लाम दे विच रवायत है कि सुंदर औरतां राजे नूं भेट कीतियां जांदियां ने। उहने वेख्या कुड़ियां बड़ियां खूबसूरत ने। बजाए कि इन्हां दे उपर किसी होर दी नज़र पवे उहने दो बड़ियां सुंदर पालकियां तैयार कीतियां। उहनां पालकियां दे आले दुआले अंग रखित तैयार कीते कि इन्हां दा पड़दा जदों तक असीं अरब पहुंचना है इन्हां दा पड़दा नहीं चुकना। इन्हां दे उपर किसी पराए मर्द की नज़र नहीं पैनी चाहीदी। ये सुंदर बीबियां ये बच्चियां मैं अपने चाचे खलीफा हजाज नूं भेटा करनियां ने। चलियां गईयां उत्थे। हुण कासिम सोचदा जा रहा है कि हिंदुस्तान का सब तो कीमती तोहफा मैं अपने इस्लाम के खलीफे हजाज के वास्ते लैके आ रहा। पर पालकी च बैठिया वह की सोच रही ने कि कासिम ने साढ़े बाप नूं कतल किया असी इहनूं किवें कतल करना। जिस वेले अरब पहुंचे खलीफे दे सामने पालकियां रखिया गई हिजाज बड़ा खुश होके कहिंदा कहिंदा कासिम किहड़ा तोहफा लैके आया। कहिंदा तुहाडे वास्ते हिंदुस्तान दीआं दो खूबसूरत नायाब लड़कियां वो लैके आया जिन्हां दी सुंदरता का कोई मुकाबला नहीं। उस राजे दे हिजाज दे सामने जदों पालकियां तो कपड़े चुके गए दोवें बाहर निकलियां ने ते कासिम ने कहा है कि हिजाज नूं कि चाचा जान आ तोहफा तुहाडे वास्ते। दोवां ने रोना शुरू कर दिता। हिजाज पुछदा है कि तुसी मेरे हरम दे विच दाखल होना है हुण तुसी मेरे महल च रहना है रो क्यों रही हो। कहिंदियां रो इस करके रही कि तुहाडा भतीजा बेशक तुहाडे सामने कह रहा है कि इन्हां दे उपर किसी मर्द की नज़र नहीं पैण दित्ती ये मैं अपने खलीफे दे वास्ते लैके आया पर सच ही है कि इन्हें रस्ते दे विच साडे दोवां दे नाल ही बात खलाकी कीती है। हिजाज ने मुहम्मद बिन कासिम नूं मरवा दिता। जदों उहदा सिर धड़ तों जुदा हो गया फिर वह कहिंदियां कि हुण जो मर्जी कर लो साडे कोल असीं अपने बाप का बदला लै लिया। सो ये वो विचारधारा है। इस विचारधारा के दोहां पक्षों नूं समझना ते इहदे विच तुरना उवें दा होएगा जिवें भाई साहब भाई गुरदास कहिंदे ना कि गुर सिक्खी परीक है खन्ने धार गड़ी अत पीड़ी। उस मार्ग के उपर चलना पवेगा। गुरु पातशाह बख्शिश करन साढ़े बहुत ही सत्कारयोग सरदार हरजिंदर सिंह धामी इन्हां दोहें ही विचारधारा नूं समझते हुए सिख विचारधारा के उपर पहरा दे सकन। गुरु पातशाह के चरणों में यही बेनती है। इन्नियां चौधड़ियां प्रवान करनियां जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।